हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस केमिस्ट्री। और आप लोगों को इस दुर्गा पूजा का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके परिवार और आप पर हमारी माता रानी का कृपा हमेशा बनी रहे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेरियोडिसिटी का एक लास्ट जो है आपका टॉपिक, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं आप आगे चल करके जब केमिस्ट्री को पढ़िएगा, आगे बहुत सारा डिटेल को बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं इसकी जिक्र जो होगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, खासकर जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कारण क्या है कि वहां पर चीजें जो है, वहां पर जो रिएक्शंस जो फॉरवर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग बहुत सारा बॉन्ड का नेचर्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे डायपोल मोमेंट हो गया, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही वो डिपेंड करता है, ठीक है। और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कितना होता है, क्या होता है, पोलरिटी की बॉन्ड का किस प्रकार से होता है, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है ना, वो लगभग जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ओवरऑल डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपरली ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड करता है, मतलब चेंज होता है, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू ग्रुप, ठीक है, चेंज होता है, उसका वैल्यू बदलता है, और पूरे पीरियडिक टेबल में कौन से एलिमेंट हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कौन सा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, ये सारा कुछ जो है वो हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं ना, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ, और बाद में यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिफाइन करने से पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिर इसका मतलब जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन और निगेटिविटी, मतलब इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम यदि हम दूसरे तरीके से हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से जो है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो ये हो जाएगा, ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जनरली क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। और निगेटिविटी मीन्स होता है यहां से जो ये पार्ट जो देखेंगे वो क्या हो जाएगा, टेंडेंसी टू लव, टेंडेंसी टू लव, ठीक है, टेंडेंसी टू लव, यानी उसको लव या फिर इसको बोल सकते हैं अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे उसके बाद समझेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, तो यहां पर कह रहा है इसका डेफिनेशन में, द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब क्या है, कहता है रिलेटिव टेंडेंसी, रिलेटिव टेंडेंसी का मतलब कोई एक एटम है और दूसरे एटम के साथ कंबाइंड है, ठीक है। मान लिया जाए यहां पर जो देखेंगे कुछ इस टाइप से, ये जो है जैसे यहां पर, ठीक है, तो मान लिया जाए कोई एक एटम है और ये बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके रिलेटिवली ये यही होगा, है ना। अब कह रहा है कि इसमें जो भी बॉन्ड बनता है ना, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, अब ये क्या कह रहा है कि द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी एटम का रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, कहने का मतलब अपनी ओर ये क्या हो जाएगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी हो, ठीक है। यदि मान लिया जाए इफ जो है, इफ क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लिया जाए ए जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 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 यदि मान लिया जाए
ए का ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए ज्यादा खींचेगा। मान लिया जाए यहां पर ए क्या कर रहा है, तो यहां सॉरी इसको देख लेते हैं, तो कहता है ए का, ए मान लिया जाए ज्यादा खींच रहा है, ठीक है, तो यहां पर दो टेंडेंसी आएगा। मान लिया जाए कि ए जो है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या होगा, देन क्या होगा, बी। क्लियर है? और यदि मान लिया जाए यहां से ये ए है और ये क्या हो जाएगा, बी, अब इसके करीब चला गया तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, देन ए होगा। मतलब कहने का ये कि ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, ये आपका है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको देखते हैं, तो ये आपका क्या है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, तो ये आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, और इसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एटम अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचने की जो पॉसिबिलिटी होगी वही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। यदि मान लिया बी खींच रहा है तो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यदि ए खींच रहा है तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कह रहा है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब समझ में आ गया होगा, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहां पर जो है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग, किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, पॉलिंग के द्वारा, है ना, पॉलिंग इन 1932, ठीक है, 1932 में पॉलिंग साहब, और ये 1931 में जो है पॉलिंग साहब जो थे वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ थ्योरी दिए थे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, एन आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ 4.0 हैज बीन असाइंड टू फ्लोरीन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट हैव बीन कैलकुलेटेड अगेंस्ट दिस स्टैंडर्ड बाय द एप्लीकेशंस ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। कहता है यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रो एन क्या हो जाएगा, 4.0, कहता है आर्बिट्रेरी वैल्यूज, मतलब एक फ्लोरीन का वैल्यूज जो है वो क्या किया गया, फाइंड आउट किया गया था, और जिसका वैल्यू आया था कितना, 4.0, ठीक है। अब इसी से क्या किया गया ना, हैज बीन असाइंड टू फ्लोरीन, ये फ्लोरीन के लिए 4.0 का वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू फाइंड आउट किया गया था एक्सपेरिमेंटली, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ अदर एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दूसरे एलिमेंट का फ्लोरीन को छोड़ करके, हैव बीन कैलकुलेटेड अगेंस्ट दिस स्टैंडर्ड, और इसी स्टैंडर्ड के आगे, इसी स्टैंडर्ड के विरुद्ध, और फ्लोरीन को छोड़कर जितने भी सारे एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या किया गया है, वो कैलकुलेट किया गया बाय द एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग फार्मूला, और वो फॉर्मूला के कौन सा है वो नीचे दिया गया है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला बता रहा है, ये एक्स ए है, जो भी कहिए कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स बी, और उसके बाद 0.0208 बिग ब्रैकेट इन साइड बिग ब्रैकेट ई ए और बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा ई ए ए प्लस ई बी बी ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर हाफ, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सर एक्स क्या आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, सर एक्स क्या है और वो ई क्या है, और ये सारी चीजों को हम लोग अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो क्या है, एनर्जी टेकन इन किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, इनर्जी इसमें लिया जाएगा किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है, ये चीज ध्यान में है। उसके बाद देखिएगा यहां पर जो है एक्स ए, यहां आपको ये दूसरा फॉर्मूला जो है, यदि मान लिया जाए किलो जूल में इनर्जी हम लोग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा नीचे वाला, ठीक है, ये 10.108, यहाँ पर 208 की जगह 102 है ना, बाकी सब सेम है। उसके बाद ये एक्स ए, दोनों में एक्स ए है, तो एक्स ए इज इक्वल टू इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, मान लिया जाए
उसके बारे में हम अभी बता रहे हैं। उसके बाद जो है एटम क्या हो जाएगा, एक्स बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ई जो है वो क्या है, ए और बी बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे बॉन्ड एनर्जी के बारे में, है ना, कि कोई भी एटम जब ज्वाइंट होता है, ओवरलैपिंग करता है और वाइटल, तो वहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। वहां पर उसके बाद क्या है, अब ये ए ए है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए टू। ए टू मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पर दो डिफरेंट एटम है हम बता रहे हैं अभी। उसके बाद क्या है बी बी, ये बी टू हो गया, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें देखिएगा सबसे पहला जो है, अब इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसको समझने वाली बात है, है ना। तो इसमें देखिएगा क्या है इसका, ये जो ए है, मान लिया जाए कोई ए एटम है और ये क्या हो गया बी से जुड़ गया, बी एटम है, तो ये एटम है ना, जुड़ा कौन कौन, ए और बी जुड़ा, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है वो एक्स ए हो गया, ठीक है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एक्स बी हो जाएगा, क्लियर है, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है कि मान लिया जाए ये ए बी है, तो ए बी कैसे बना होगा, सपोज कीजिए ए बी बना होगा यहां से, यहां पर देख लीजिएगा ए बी, ए ए ए टू मतलब ए ए, इसी को बोलते हैं ए टू, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा बी और बी, ये क्या हो जाएगा बी टू, अब ये क्या हो जाएगा बन जाएगा ए बी, क्या बनेगा ए बी बनेगा। तो यहां पर वही चीज बोला है कि ए बी जो है वो दो डिफरेंट एटम है, ए और बी के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बना है ना, ए और बी के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बना है, तो ये क्या हो जाएगा उसका जो बॉन्ड होगा ना वो क्या हो जाएगा ए बी होगा, मतलब जैसे ये ए है और ये बी है, ये दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है ना, तो इस बॉन्ड का जो एनर्जी होगा वो ए बी हो, ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है ई और ए बी, है ना। उसके बाद क्या है, ये मान लीजिए ए बी कैसे बना होगा, तो ए और ए के बीच जो बॉन्ड है उसको, मतलब वो बॉन्ड कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा, ठीक है, तो उस बॉन्ड का जो एनर्जी है वो ई ए ए से रिप्रेजेंट किया गया है और ई बी बी से रिप्रेजेंट किया गया है बी टू का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक्स ए, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये तो वैल्यू है ना, आप देख रहे हैं, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए और ए, ठीक है, इसका भी वैल्यू जैसे मान लिया जाए आप लोग देख पाते हैं, जैसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, तो इस वैल्यू पर यदि पुट करके रखिएगा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, तो आपको ये पूरा का पूरा बॉन्ड का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रॉब्लिबिलिटी बोल रहा है, तो यही पे क्या कह रहा है कि ये दोनों बाइंडिंग एटम लिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला है, फार्मूला क्या है, अलग अलग है, किस रूप किस वे में, तो इसमें किलो कैलोरी में एनर्जी है, इसमें किलो जूल में एनर्जी है, ठीक है। तो किलो कैलोरी और किलो किलो जूल में बस यूनिट का अंतर है, बाकी फार्मूला क्या है लगभग सेम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया, उसके बाद यहां से जो चलेंगे तो कहता है नेक्स्ट में कि अकॉर्डिंग टू मूलिकंस, मूलिकन वाइल ड्रॉप, देखिएगा आप एक इसको 11th क्लास में जब आप लोग पढ़िएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है एक बॉक्सेस के अंदर मूलिकन वाइल ड्रॉप, ठीक है। वहां पर एक एक्सपेरिमेंट में वाइल का ड्रॉप लिया गया था और उसको एकदम ऑब्जर्व किया गया था कि उसमें कितना, मतलब किस प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल्स के बारे में उसमें जनरली ऑब्जर्व किया गया था, तो उसी वही जो मूलिकन है जो ऑब्जर्व किए थे वही मूलिकन साहब जो है इनके अनुसार से क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आईपी और ईए के हाफ है, मतलब ये क्या है रेशियो है, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं मीन कह सकते हैं। तो आईपी और ईए, जब तक हम लोग इलेक्ट्रोफिनिटी नहीं जानेंगे, ईए का मतलब क्या है इलेक्ट्रोफिनिटी और आईपी का मतलब क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में हम उसको कवर अप कर चुके हैं, है ना। तो जो भी नए व्यूअर होंगे पीछे का वीडियो यदि नहीं देखे होंगे आईपी और ईए क्या हो रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार कृपया करके वो प्रीवियस वीडियो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा मेरे चैनल पे, तो आपको सारा का वीडियो मिल जाएगा आईपी और ईए का, अलग अलग सेपरेट वीडियो है, उसको एक बार देख लें और उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आईपी और ईए, तो आईपी और ईए जो है वो दो, उसको हम लोग क्या कर लिए,
ये निकाल लिए मीन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलेगा। ये किनका कहना था? मोलिकन का कहना था। तो अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग अपना थेसिस को रखे, ठीक है। उसके बाद जो है, जैसे मान लिया आईपी जो है वो क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है यहाँ पे, और ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लियर, सॉरी इलेक्ट्रोएफिनिटी है। उसके बाद दूसरा सेकेंड जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग मोलिकन गेव अनदर फॉर्मूला, मोलिकन एक और फॉर्मूला दिए थे, ठीक है, एक और फॉर्मूला दिए, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल, उन्होंने एक स्केल भी दिया था, ठीक है, उस स्केल के अकॉर्डिंग इन्होंने दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया था, और उसका था क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आईपी प्लस ईए डिवाइडेड बाई 5.6, ठीक है। तो मोलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे तरीका से निकाल सकते हैं, कैसे, आईपी और ईए दिया रहेगा, उसके बाद ये 5.6, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये मोलिकन क्या है, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। तो यदि पॉलिंग स्केल आपसे क्वेश्चंस में कहीं पे पूछ दिया जाए कि पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग आप लोग बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इफ यदि इस एटम का इलेक्ट्रो एफिनिटी और आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कंपटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मान लिया जाए ये फॉर्मूला आपके माइंड में रहता है जितना मतलब अच्छे से, उतना फास्ट आप क्या कर पाइएगा, क्वेश्चन को पिकअप कर पाइएगा और आंसर कर पाइएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस पे भी आएंगे, मतलब डीपी के बाद जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होगी तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन, जैसे उधर रुका हुआ हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन, वेस्पर का क्वेश्चन, ठीक है, और इधर आपका पीरियडिसिटी खत्म होगा, तो हम क्वेश्चंस का ही हम लोग लेके चलेंगे कुछ वीडियो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है आ रहे हैं, तो यहाँ पर आईपी जो है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल, और वही पे है ये जो है वो इलेक्ट्रो एफिनिटी, यहाँ पर भी वही चीजें हैं, है ना, आईपी इलेक्ट्रो आयनाइजेशन पोटेंशियल और ये जो है इलेक्ट्रो एफिनिटी है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, तो ये क्या है, देखिएगा कि आपका इफ द वैल्यू ऑफ आईपी एंड ईए आर टेकन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम लेंगे, पीछे क्या ले रहे थे हम लोग आईपी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आईपी वाला स्लाइड्स में, आईपी वाले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना वैल्यू आता है उसका आपको दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर उसको हम लोग यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एन एटम, ये क्या हो जाएगा, 2। जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहेंगे आईपी का वैल्यू, तो हमें इतना ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू आईपी प्लस ईए डिवाइडेड बाई 2 × 62.5, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकलेगा, कब, जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना चाहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहेंगे तब, सॉरी आईपी और ईए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें दिया रहे, तब हम ये फॉर्मूला को क्या करेंगे उसमें पुट करेंगे। उसके बाद एक नोट है, अब नोट में क्या दिया हुआ है कि इफ द वैल्यू ऑफ आईपी एंड ईए आर टेकन इन किलो कैलोरीज, यदि आईपी का वैल्यू, यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है, यहां किलो कैलोरी बोल रहा है, ठीक है, तो किलो कैलोरीज पर मोल में दिया हुआ है, इन जनरल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यू आर हाई फॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यदि मान लिया जाए किलो कैलोरी में यदि दिया हुआ है आईपी और ईए, तो छोटे मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, है ना, छोटे एलिमेंट का, वो काफी ज्यादा होगा, और लो फॉर बिगर एटम्स, ठीक है, और लो जो होगा किसके लिए होगा, बड़े एटम्स, मतलब बड़े एलिमेंट, एलिमेंट का, बड़े एटम का साइज जो होगा, ठीक है। तो छोटे एटम का साइज का वैल्यू, मतलब ईए का वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कब ज्यादा होगा, जब वो आईपी और ईए क्या किसमें दिया हो, किलो कैलोरी में दिया हो, ठीक है। अब बड़े का क्या हो जाएगा, कम जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, वन ऑन मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, हम लोग बाएं से दाएं जब जाते हैं ना, मतलब पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे, ठीक है, तब क्या होता है कि ऑन मूविंग अ पीरियड अक्रॉस पीरियड ऑफ मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, वो आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वहां पे इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, चूंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा
है ना, ये सारा कुछ मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। इसका स्पेशल वीडियोस आपको बना के दिया गया है, इलेक्ट्रो सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सबका सेपरेट वीडियो है, आप जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, तो ऑन मूविंग इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप क्या होता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डिक्रीज होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे, डिक्रीज है, यहाँ पर इंक्रीज लिखा हुआ ना, डिक्रीज होगा, मिस ये है प्रिंटिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, दैट मींस क्या कि एटॉमिक साइज यदि इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इंक्रीज करता है एटॉमिक साइज, चूंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वो सारा चीजें उसमें आपको समझाया गया। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक रेडियस, अभी हम बताया कि एटॉमिक रेडियस पे ही डिपेंड करता है एटॉमिक साइज, और एटॉमिक रेडियस जब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज का हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद यहां पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जाहिर सी बात है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके आगे आगे वाले सेल में, मतलब अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन का क्लॉडिंग का बढ़ना, और जब इलेक्ट्रॉन का क्लॉडिंग बढ़ेगा तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जाने नहीं देगा, रोक देगा, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो, क्या हो जाएगा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। और जैसे ही मान लिया जाए, इसमें क्या है ना कि जैसे एक चीज और देखना है कि जैसे ये जो है आपका, मान लिया जाए ये एटम है, अब ये एटम है और इस पर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब क्या कर रहा है बॉन्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड पेयर रहे चाहे इलेक्ट्रॉन रहे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली है, इसको इंट्रैक्ट करना है, तो इसको इंट्रैक्ट करने के लिए कहां, तो ये आउटर सेल पर पॉजिटिव का डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो पॉजिटिव का डेंसिटी दो चीज में ज्यादा होगा, दो कंडीशन में ज्यादा होगा, जब ये इसका पावर बढ़ जाए, इसमें पॉजिटिव का डेंसिटी बढ़ जाए न्यूक्लियस में, और दूसरी बात है कि ये इसके नजदीक रहे आउटर सेल, तो आउटर सेल नजदीक रहेगा तो कहीं ना कहीं रेडियस छोटा होगा, ठीक है। लेकिन अब आउटर सेल ये नजदीक रहेगा तो रेडियस छोटा होगा, इसका इफेक्ट इस पे ज्यादा पड़ेगा, और वो क्या करेगा, आउटर सेल मतलब वो जो बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा खींच पाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ये साइज भी बढ़ जाता है, और ये जो गैदरिंग होता है ना इलेक्ट्रॉन में, अंदर अंदर में जो गैदरिंग होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका जो इफेक्ट है ना आउटर सेल पर पड़ने ही नहीं देता है। इस कारण से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी एटम के पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस तरीके से कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर्स ऑफ पीरियड, नंबर्स ऑफ पीरियड, तो नंबर्स ऑफ पीरियड जैसे जैसे टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं नंबर्स ऑफ पीरियड बढ़ता है, तो नंबर्स ऑफ पीरियड बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, जिसके कारण ये न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे बहुत कम जाएगा, और वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम जाएगा उसके पास, ठीक है। उसके बाद है आगे, तो ये है नेक्स्ट। अब देखिएगा इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू, कुछ इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द टू एटम्स। कहने का मतलब है कि दो एटम है और दो एटम के बीच का बॉन्ड है, ठीक है, दो एटम जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड से, ठीक है, तो उस बॉन्ड का नेचर डिपेंड करता है उस जो एटम जुड़ा हुआ है ना उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस पे, और वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस मत के अकॉर्डिंग उस बॉन्ड का नेचर डिफाइन होगा। तो देखते हैं कैसा डिफाइन होता है, तो देखिएगा द डिफरेंस बिटवीन ये हो जाएगा, है ना, मान लिया जाए हम अभी क्या बता रहे थे, एक्स ए क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम, यदि ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस हो जाएगा जीरो, ठीक है, यानी दोनों सेम रहेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम एटम कंबाइंड रहेगा तो ये क्या, जीरो जब हो जाएगा तो ये
द बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट, उस कंडीशन में बॉन्ड क्या हो जाएगा, प्योर कोवेलेंट होगा। हम यही बात बोले थे ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आने वाले समय में जहां भी केमिस्ट्री पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं हर जगह पे ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से ये क्या हो जाएगा, यूज होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। दूसरा है द डिफरेंसेस बिटवीन अ स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल, एग्जैक्ट जीरो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, मतलब हल्का सा जीरो से ग्रेटर हो जाए, तो वहां पर जो है ना दैट इज एक्स ए, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का एक का ज्यादा हो जाए, द बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट, मतलब बॉन्ड उस टाइम भी कोवेलेंट ही रहेगा लेकिन प्योर नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा पोलरिटी आ जाएगी। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा उसका एग्जाम्पल भी, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, द डिफरेंस एक्स ए और एक्स बी, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या हो जाए, 1.7 आ जाए, ठीक है। तो वो 50% कैरेक्टर, 50% आयनिक होगा, 50% कोवेलेंट होगा, यानी बोथ कैरेक्टर को वो लीड करेगा इक्वली, ठीक है। कब, जब दोनों एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का जो सॉरी डिफरेंसेस है वो क्या हो जाए, 1.7 आ जाए। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो द डिफरेंस इज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो द बॉन्ड इज मोर आयनिक, और वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ये सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर घटते चला जाएगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहां पर जो है देखिएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में भी कैलकुलेटेड है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में देख लेंगे, है ना। यहां पर क्या होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ आयनिक, तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस है, है ना, एक्स ए और एक्स बी प्लस 3.5 एक्स, ये क्या हो जाएगा, अस्क्वायर, डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये अस्क्वायर, गिवेन बाई ए एल अलर्ड, ये कौन दिए थे, ए एल अलर्ड दिए थे 1961 में दिए थे। ये परसेंटेज कितना परसेंट, ये पूरा कैलकुलेट करके जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, मतलब कोई भी दो एटम के बीच का बॉन्ड कितना परसेंट वो आयनिक है, कितना परसेंट वो क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो 50-50 देखेंगे, तो 1.7 वैल्यू यदि पुट करते हैं यहाँ पे तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, 50% आएगा, तो 50-50% हो जाएगा, 50% कोवेलेंट, 50% आयनिक, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर एक्स ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, पहले भी बहुत बता चुके हैं, ये हो जाएगा बी, है ना। उसके बाद क्या है, यहां पर एक है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिफरेंसेस एक्स ए एक्स बी, मोर स्टेबल विल बी द बॉन्ड। एक्स ए और एक्स बी का डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा ना। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लगाता है ना, निगेटिव और पॉजिटिव के द्वारा इंट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसके कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन सबके लिए कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर फ्लोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ ये घट रहा है ना, तो घट रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस देखिएगा 1.9 है, 1.7 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होगा HCl से, HCl 0.7 और क्या हो जाएगा 0.4, तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल। हाँ एक चीज और देखने वाली बात है कि मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर के बारे में, यहाँ पर देखिए सिंपली बोला गया है कि मान लिया जाए कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर ये जो बढ़ रहा है, जैसे देखिए ये आपका एक्स ए, एक्स ए डिफरेंसेस हो गया एक्स बी, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर मान लिया जाए जीरो है परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, और ये क्या हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, ये दोनों चीज है, तो ये 100% हो जाएगा और ये 0% रहेगा, और ये 100% हो जाएगा, लेकिन कुछ ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लिया जाए लेस देन 100% हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0% हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर थोड़ा सा ग्रेटर हो जाएगा जीरो से, ठीक है। उसके बाद क्या है, मान लिया जाए ये क्या है 1.7 के आसपास है, तो 1.7 के आसपास है, तो क्या हो जाएगा ये 50% ये रहेगा और 50% ये रहेगा,
यदि ग्रेटर देन क्या हो जाए, 1.7 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 50% हो जाएगा, सॉरी लेस देन हो जाएगा ना, लेस देन सॉरी लेस देन 50% हो जाएगा कोवेलेंट करेक्टर, और ग्रेटर देन 50% आयनिक करेक्टर हो जाए। मतलब जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, वैसे वैसे तो हम कह सकते हैं ओवरऑल, ओवरऑल क्या कह सकते हैं, नीचे थोड़ा सा है तो लिख लीजिएगा, कहता है आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस बिटवीन एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से ये कोवेलेंट करेक्टर यदि लेना चाहेंगे, है ना, तो ये कोवेलेंट करेक्टर यदि लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स बी। मतलब एक्स ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना होगा उससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ब्लैक में लिख देते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर, तो देखिएगा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स ए और क्या हो जाएगा, एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी का ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ क्या है, इंपॉर्टेंस है ना। तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, ये डिफरेंसेस डिक्रीज कर रहा है ना, तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, कैसे कैसे क्या होता है। नहीं तो यहाँ पर देखिएगा ये पेरियोडिक टेबल है, दिख रहा होगा साइज, लेफ्ट टू राइट जाने पे कुछ और दिख रहा होगा, सॉरी हाँ, ओहो, लेफ्ट टू राइट जाने पे कुछ और दिख रहा होगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर से टॉप टू बॉटम जाने, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऊपर से नीचे जाने पे, है ना। तो ये क्या देखिएगा, सबसे पहला जो है इसमें कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जा रहे हैं और लेफ्ट टू राइट, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे, तो देखेंगे सबसे पहला एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस को पहले समझेंगे, पूरा ओवरऑल कैसे हम पीरियोडिक टेबल पे हम डिफाइन करते हैं, है ना, किस प्रकार से हम लोग समझेंगे, ये जो स्लाइड होगा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा, इस तरीके से देखिएगा डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे सॉरी इनक्रीज डिक्रीज कर रहा है एटॉमिक रेडियस, इसीलिए साइज छोटा है, और ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे में कैसे इंक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम कोई भी एक ग्रुप को ले लीजिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है, और टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग आते हैं तो क्या आते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम में वो डिक्रीज करेगा, जो लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज करेगा वो टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करेगा तो वो क्या, जाहिर सी बात होगा टॉप टू बॉटम में क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये टॉप टू बॉटम में डिक्रीज कर रहा है, क्लियर है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है, तो ये लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम में क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर आपका पूरा पीरियोडिसिटी एक क्या हो गया, एक स्लाइड्स में आ गया, मतलब किस प्रकार से, यानी लेफ्ट टू राइट मतलब अकॉर्डिंग टू पीरियड, टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंग टू ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके का जो मतलब आपका ये है,
पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिसिटी है, आप इसके अकॉर्डिंग अच्छे से क्या कर समराइज कर सकते हैं शॉर्टकट वे में, ठीक है, किस प्रकार से किधर जाने पे डिक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है, कौन इंक्रीज कर रहा है, तो ये पूरा एक स्लाइड तैयार कर किया गया है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आप लोग को, है ना। तो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास, और जो अभी तक बेल आइकन को ऑन नहीं कर पाए हैं वो कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो आप हमेशा देखिएगा। हाँ, और आने वाले समय में हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, मतलब कि रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो उसके पहले हम कुछ उसका बेसिक जो होगा जनरल वो पढ़ाएंगे, और ये चलता रहेगा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को सोच रहे हैं एक तरफ से स्टार्ट करने के लिए, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कुछ टॉपिक निकल जाएगा, तो इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं जनरली फिजिकल वगैरह में, तो फिजिकल थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और एक बार फिर से आप सभी को इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप लोग का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी का कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ये दशहरा, ये दुर्गा पूजा आपके लिए बहुत ही सुखद हो। धन्यवाद, थैंक यू।